हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज मैं आपको पनीर बटर मसाला बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो है पनीर, रफली चॉप टोमेटो एंड अनियंस, बे लीफ, गरम मसाला, बटर, डेगी मिर्च, सूखी मेथी, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गार्लिक, अमूल क्रीम, जिंजर, ग्रेटेड हिंग, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, काजू, खड़ी मिर्च। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, 1 चम्मच। अब मैं इसमें खड़ी मिर्च डालूंगी। खड़ी मिर्च डालने के बाद बेलीफ डालूंगी। बेलीफ डालने के बाद जो मैंने रफली चॉप टोमेटो एंड अनियंस किए थे वो डालूंगी। अब इनको 5 to 10 मिनट्स सोटे करने के बाद पीस लूँगी और अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें काजू भी डाल लूँगी। जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए तब तक इसे पकाना है, फिर मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। हमारी पेस्ट तैयार है, अब मैं इसका तड़का लगाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें पनीर बटर मसाला, तो ऑब्वियस बटर डलेगा। उसके बाद हिंग, जिंजर, गार्लिक। अब गार्लिक को थोड़ा सा सॉटे करते हैं। गार्लिक एंड जिंजर दोनों सॉटे हो चुके हैं। अब जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से भूनना है। पहले मसाले ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, सूखी मेथी, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से भूनते हैं टमाटर को, जब तक ये घी ना छोड़ जाए। हमारी टमाटो प्यूरी को 5 to 7 मिनट्स और लगेंगे, फिर ये अच्छे से भून जाएगी। फिर हम इसमें पनीर एंड क्रीम दोनों ऐड करेंगे। टमाटर अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। पनीर ऐड करने के बाद अमूल क्रीम, थोड़ा सा पानी। अब इसको बॉईल आने तक पकाएंगे। अब हमारा बॉईल आ चुका है, मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2-3 मिनट और लगेंगे, पनीर बटर मसाला फिर हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमारा पनीर बटर मसाला एकदम रेडी है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। अब हमारा पनीर बटर मसाला एकदम रेडी है। आप भी मेरी रेसिपी फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लेटेस्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।